सागर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार को दिया 2,897 करोड़ रुपए की सौगात। सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, चंद्रा पार्क, डॉक्टर हरि सिंह गौर पार्क व मधुकर साह पार्क, पुनर्विकास, सौंदर्यीकरण आदि योजनाओं का पिटारा खोला। सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नगर पालिका निगम सागर, लोक निर्माण विभाग PIU, लोक निर्माण विभाग सागर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सागर। सागर संभाग के लिए मध्य प्रदेश सरकार की सौगात रोड, सिंचाई और सौंदर्यीकरण जैसी कई योजनाएं। और हमने शुरुआत करी थी मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनी, मध्य प्रदेश का एक ऐसा प्रोफाइल बनाया जाए, मध्य प्रदेश की पहचान बनेगी तो सागर की भी पहचान बनेगी, और सागर की पहचान बनेगी तो निवेश भी आएगा। पर 15 सालों में मध्य प्रदेश में जितने उद्योग नहीं लगे उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। हमने तो एक शुरुआत करी है, निवेश मध्य प्रदेश में आना शुरू हुआ है, लोगों का विश्वास मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है आना, और इसी विश्वास से मध्य प्रदेश में जब निवेश आएगा आर्थिक गतिविधि बनेगी। ये उद्योग लगता है, कितने ट्रक लगते हैं, कितनी और संबंधित विकास होता है, इससे जो आर्थिक गतिविधि बनेगी, इस आर्थिक गतिविधि से हमारे नौजवानों को मौका मिलेगा। हमने शुरुआत करी अपने नीति और नियत का परिचय देने। मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि हमने बिजली का बिल अदा किया, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली गई, ये तो हमारी नियत और नीति का परिचय है। हमने एक शुरुआत करी और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमने वचन दिए थे, जिस रास्ते पर, जिस पटरी पर हम मध्य प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, हम कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएंगे, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, ये हमारा वचन है। और आज मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, देश का चित्र भी आपके सामने है। आज आप मोदी जी को सुनते हैं, मैं तो पूछना चाहता हूं, जो मोदी जी कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किस कृषि क्षेत्र में इसको लाभ का धंधा बनाएंगे, सबसे ज्यादा आत्महत्या अपने देश के किसानों को हुई जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे, सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अपने देश में शुरू हुई, और मोदी जी आज इसकी बात नहीं करते। मैं तो पूछता हूं मोदी जी से, आपने बेरोजगारी की बात कब करी थी, आपने नौजवानों की बात कब करी थी? मैं तो मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आपने किसानों की बात कब करी थी? मोदी जी किसानों की बात नहीं कर रहे, मोदी जी नौजवानों की बात नहीं कर रहे, मोदी जी आज ध्यान मोड़ना चाहते हैं। तरह तरह का कानून, हमारे नागरिक संशोधन का कानून, एक कानून है, मैं पूछना चाहता हूँ, नागरिक संशोधन कानून, क्या कोई बात हो रही है, क्या कोई रेफ्यूजी आ रही है, क्या चिंता की जा रही है, कानून लाने की कौन सी प्राथमिकता? 12 बजे तक रात को चला के ये कानून पास किया, मोदी जी नौजवानों को जवाब दीजिए। आज ये जो नौजवान आज भटक रहा है, आप इस किसान जो आसमान की तरफ देख रहा है, इनको जवाब दीजिए। मोदी जी आज ध्यान मोड़ने की, कभी राष्ट्रवाद की बात करेंगे, मोदी जी कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, पर नौजवानों की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे। ये कलाकारी आज देश पहचानता है, मुंह चलाने में और देश चलाने में बहुत अंतर होता है, और
और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने पंद्रह साल भारतीय जनता पार्टी को दिए, हमारे 15 महीने भी नहीं हुए हैं। आप हमें बल और शक्ति दीजिए, आप हमें बल और शक्ति देंगे, हम मध्य प्रदेश के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। मध्य प्रदेश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आप हमें बल और शक्ति दीजिए कि हम कृषि क्षेत्र में एक प्रमुख क्रांति लाएं, किसानों के साथ न्याय होए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस पटरी पर हम चल रहे हैं आज, मुझे खुशी है कि आज यहाँ इसी सभा में 2400 लोग हैं जिनको भू अधिकार का पत्र मिला है। यहाँ 1275 लोग हैं जिनको आज मुख्यमंत्री आवास योजना की स्वीकृति मिली है। ऐसे है जिनका कर्जा माफ हुआ है, ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ। हमने कर्जा माफ का वचन दिया है, हमने शुरुआत करी है। अब इस कर्जा माफ का जो दूसरा फेज है, इस दूसरे फेज में जो पार्टी के साथ रह रहे हैं, उनका भी कर्जा माफ किया जाएगा। हम वचन बन रहे हैं कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। हम करेंगे और हमारे रोजगार योजना में यहाँ 500 लोग बैठे हैं जिनको इससे फायदा हुआ। ये आज मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, ये शुरुआत है, ये हमारे 11.5 महीने का हिसाब है। और हर साल मैं प्रदेश को हिसाब दूंगा, हर साल का हिसाब दूंगा कि हमारे कृषि क्षेत्र में क्या हुआ। मैं हिसाब दूंगा कि हमारे नौजवानों, कितने नौजवानों को रोजगार मिला। हिसाब दूंगा कितनों का पट्टा माफ हुआ। मैं हिसाब दूंगा हमारे किसानों के साथ कैसे हमने न्याय किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस उम्मीद के साथ आपने 15 साल बाद कांग्रेस सरकार को मौका दिया है, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। आपने मांगे रखी है। मैं घोषणा नहीं करता, मैं जानता हूँ कि तालाब की क्या मांगे, मैं जानता हूँ फ्लाईओवर की क्या मांगे, मैं जानता हूँ बस स्टैंड की क्या मांगे। मैं घोषणा नहीं करता, पर इतना कहता हूँ मैं सागर को निराश नहीं होने दूंगा। ये